कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच डीडीएमए यानी कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आज एक अहम बैठक की। इस बैठक में फैसला लिया गया कि फिलहाल स्कूल बंद नहीं किए जाएंगे, लेकिन मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया। देखिए, दिल्ली में तेजी से पैर पसार रहा कोरोना। कोरोना की रोकथाम को लेकर डीडीएमए का फैसला, मास्क ना पहनने पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। एक बार फिर दिल्ली में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में एक बार फिर पाबंदियों का दौर लौट आया है। दरअसल बुधवार को डीडीएमए की बैठक हुई। इस बैठक में कोरोना की रोकथाम को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस बैठक में क्या फैसला लिया गया है। डीडीएमए की बैठक में फैसला, दिल्ली में स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा, स्टूडेंट्स पहले की तरह ही स्कूल जाएंगे। स्कूल के स्टाफ स्टूडेंट्स को कोरोना के नियमों का पालन करना होगा। दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसी के साथ ही सार्वजनिक जगहों पर मास्क ना पहनने पर 500 रुपए जुर्माना लगेगा। डीडीएमए की बैठक में लिए गए फैसले पर लोगों का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। मास्क के लिए गाइडलाइन जारी किया है, लोगों को लगाना चाहिए क्योंकि कोरोना आगे और भी फैल सकता है। अब कई लोग हैं जो उसको इग्नोर कर रहे हैं, और हमें पता है कि कोरोना ने पिछली बार किस तरीके से त्रासदी मचाई थी, कई लोग मरे थे, हॉस्पिटल के ऊपर बटन आया था, डॉक्टर्स के ऊपर आया था। तो हमें उस चीज़ से सबक लेते हुए हमें मास्क जरूर लगाना चाहिए। तो मास्क तो ज़रूरी हो गया है, जब कोरोना निकल गया तो मास्क तो लगाना ज़रूरी है, इसका पालन हम करेंगे। बहुत परेशानी होगी क्योंकि हम लोगों का जो काम है ना, ये गर्मी में है, रोड का काम है, तो मास्क लगाएंगे तो बहुत परेशानी होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, मजबूरी में लगाना पड़ता है। मेरा ये मानना है कि कोरोना तो आता ही रहेगा जो है, पर लोगों को खुद ही अपनी सेफ्टी कर रखने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए मास्क लगाना ही चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। कोरोना तब कम हो ज़्यादा हो, उससे अपनी सेफ्टी अपनी सेहत का हमें खुद ध्यान रखना चाहिए। और जो सरकार ने मानो एक प्रेशर बनाया है कि 500 रुपये दो वो दो, वो अब इस महंगाई के दौरान 500 रुपये लगाना ये लगाना उचित नहीं है। और मैं यही कहूँगा कि सरकार निवेदन करे, लोगों को बताए, मास्क लगाएं, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। अस्थमा की प्रॉब्लम है, वो कहाँ से मास्क लगा के घूमेगा, उसको कैसे, वो कहाँ से अपने आप को एडजस्ट करेगा भाई, अगर उसको इतनी गर्मी है सब कुछ है। ठीक है, मास्क मैंडेटरी है, मैंडेटरी तो नहीं है ना, वॉलेंट्री है, ये तो कोर्ट भी कह चुकी है, अब ये भी देख लो। नहीं, डीडीएम सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना, मैंडेटरी नहीं है ना, ये वॉलेंट्री है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने लगाना कि नहीं लगाना, बस इतनी सी बात। 500 रुपये का जुर्माना है, बीच में खत्म हो गया। कैसे, किस बात के लिए 500 रुपये जुर्माना, किसको देंगे? बिल्कुल सही किया, 500 के 1000 रुपये करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अब स्कूल भी खुल गए हैं बच्चों के, और जो उनका कोरोना जिस तरह से बढ़ गया 2 दिन में, तो इस हिसाब से तो कंपलसरी होना चाहिए मास्क पहनना, और जुर्माना तो होना चाहिए, क्योंकि अभी तो सब ने मास्क उतार दिए थे, ऑलमोस्ट सब ने उतार दिए थे, जिसकी वजह से ये हुआ है। फिर से अब चौथी लहर शुरू होने वाली है, और सबसे ज़्यादा रिस्क है हमारे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, जिस तरह से फैलेगा तो वो तो बहुत ज़्यादा फैलता जाएगा, तो फिर अभी अभी बच्चों का स्कूल खुला, फिर वो घर में बैठाने पड़ेंगे। बहरहाल इस साल जनवरी महीने के बाद पहली बार कोरोना संक्रमण के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। दिल्ली में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में 600 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को,
जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।